अनलॉक फेज वन में धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की इजाजत मिलने के बाद मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिससे लोगों में भी उत्साह नजर आने लगा है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार 2 माह से लगभग सूने पड़े धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना इबादत करने की छूट होगी, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक चरणबद्ध तरीके से लोगों को छूट मिलनी शुरू हुई। लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक फेज 1 चल रहा है। अनलॉक फेज 1 में भी 8 जून से लोगों को राहत मिलने जा रही है। अन्य चीज़ों के अलावा धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की अनुमति सरकार की ओर से दी जा रही है, लेकिन धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कुछ शर्तों का पालन करना होगा। मसलन 65 साल से अधिक के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बीमार लोगों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। यहां भी सभी को साबुन या सैनिटाइजर से हाथ साफ करने होंगे। धार्मिक स्थलों के खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। विश्व प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ योगी ने कहा कि भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि मंदिर खुलने जा रहा है, लेकिन इसके श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइज करना होगा, इसी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ योगी तथा मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा। उसमें क्या कुछ गाइडलाइन विभूति कैसे दी है, विभूति फसल दी है, आए दी है, प्रसाद चढ़ेंगे आए चढ़ेंगे, देख ले चेक के रखा है, ये चीज होना चाहिए, गाइडलाइन देख ले Так,
मंदिर सफाई चल रहा है, सफाई चल रहा है। मंदिर को 8 बजे खोलेंगे, इसी सरकार केंद्र सरकार बोल रहे हैं तो सफाई चल रहा है। तो सीटर के पालन करने के लिए मुँह में पर मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं सब। मंदिर में जो पुजारी रहेंगे वही मास्क लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, पर करना पड़ेगा ना, सब पालन करना पड़ेगा। कितने लोग आएंगे उसका? आएंगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे आएंगे, तो एक बार थोड़ी आएंगे, जैसे बढ़ते रहेंगे तभी आएंगे। तो काफ़ी दिनों से बंद है मंदिर, तो कितना उत्साह भी होगा दर्शन? उत्साह तो होंगे, 8 तारीख को तो उत्साह आएंगे, श्रद्धालु। हाँ श्रद्धालु करेंगे, आएंगे इसके लिए। हाँ तो मंदिर में पूरी तैयारी हो रही है, पूजा पाठ होता ही था? पूजा तो होता ही, पूजा बंद नहीं हो, पूजा तो होता ही है, पूजा सभी मंदिर सब जगह मंदिर पूजा हुई, पूजा थोड़ी बंद हो गया, चलता रहेगा। तो कुल बंद रहते थे, सभी आप लोग ही करते थे? हाँ सभी करते थे। अब जनता के लिए खुल जाएगा? जनता के लिए खुल जाएंगे, सभी आएंगे। कोई समय भी रहेगा उसका? समय का क्या, जैसे आते थे वैसे आएंगे, जैसे जैसे परम पचाते। इस मंदिर तो खुला रहे 24 घंटे खुले, दिन बंद रहे थे। सरकारी मंदिर बंद हो जाए, हमारे यहाँ बंद नहीं होता है, चालू रहता है 24 घंटे। बात 10 बजे बंद होते हैं, बाकी तो खुल जाए 4 बजे मंदिर खुल जाता हमारे यहाँ। 3 बजे पूजा होता है, 4 बजे खुल जाता है, चलता रहता है दिन भर। जो शासन प्रशासन का निर्देश है उसके अनुसार हम लोगों ने व्यवस्था किए हैं, कर भी रहे हैं। 8 तारीख को मंदिर खुल रहे हैं प्रदेश में, ये बड़ी अच्छी बात है। जनता में उत्साह है, भक्तगण को काफ़ी खुशी है, इतने लंबे समय तक मंदिर के दरवाजे बंद रहे, कोई दर्शन के लिए नहीं आ रहे थे, यह सुनकर सभी लोग जो है हर्षित हो रहे हैं। मंदिर की ओर से सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, गेट पर ही व्यवस्था कर दी गई, सभी लोगों को सैनिटाइज करके भेजा जाएगा। जो निर्देश है लाइन लगा करके महिला पुलिस हमारे कार्यकर्ता सब लोग रहेंगे, धीरे धीरे जो है दूरी बना करके दर्शन कराते रहेंगे। कितने लोगों को अनुमति दे रहे हैं एक साथ जाने के लिए अंदर? अनुमति का अब जो शासन का निर्देश दिखाई दे रहा है कि वो 5 लोगों का है, जैसे भी होगा ये दर्शन कराए दूरी बढ़ाते बढ़ाते किया जाएगा भाई, दूर होकर के दूरी से लोग दर्शन करते जाएंगे, निकलते जाएंगे, वहाँ किसी को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चीज़ यही है। मान लीजिए किए फिर दूसर का किए, फिर तीसर का किए, ऐसे ही करते करते लाइन से कराते जाएंगे, ये उसकी व्यवस्था की जाएगी।